हेलो फ्रेंड्स, आप ये जो मैरीगोल्ड के प्लांट होते हैं इनमें जो अपने ये कलियाँ निकली हुई है अभी तक और इनमें फूल नहीं आ रहे, तो वैसे इन पौधों की ग्रोथ तो काफ़ी हो चुकी है। देखो कितने सुंदर ये खिले हुए हैं और इनकी जो ये ब्रांच जगह जगह से निकली हुई है। तो फ्रेंड्स, आप इनको अगर मैं तो इनको एक ही खाद देती हूँ जो मैं आज आपको बताऊँगी, ऑर्गेनिक ही खाद है वो, तो वो वाली आप खाद इन पौधों को दें तो ये जो है फूलों से भर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाली खाद है, ये अपने जो सरसों कली होती है ये है। तो आप इसकी एक दो मुट्ठी, जैसे इस तरह की एक दो मुट्ठी ले ली सूखी जो है, इसको अगर पाउडर भी बना सकते हैं, पर इसको भिगोना ही है तो आप ऐसे ही इसको भिगो सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह की सरसों कली को मैंने इसमें इस तरह से भिगो रखा है पहले से ही, दो तीन दिन हो गए। तो इसको बीच बीच में से दो तीन दिन के लिए हम भिगो कर रखते हैं और फिर इसको बीच बीच में से ऐसे डंडी की सहायता से इसको हिलाते रहें और फिर ये अच्छी खाद जो है दो तीन दिन में बन जाती है। और फिर इसको आप अगर एक लीटर ये इसका खाद का पानी लें तो इसमें आप 3-4 लीटर और पानी ऐड करें और फिर आप इन पौधों को दें। तो पौधों पे फूल बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ज़्यादा फूल आएंगे और पौधे जो हैं फूलों से भर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये वाली खाद अपने पौधों को दें, मैं तो यही देती हूँ।